सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो पोकेमोन यूनाइट। और भाई आज हम खेलने वाले हैं ज़रोरा के साथ। तो भाई काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही, क्योंकि यार पढ़ाई वगैरह का थोड़ा सीन था यार, इसीलिए टाइम नहीं मिल पाया और भाई वीडियो डाल ही नहीं पाई। भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है और भाई रैंक पुश वगैरह करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि यार मतलब गेम खेला ही नहीं है ज़्यादा ना, वीडियो डाली तुमको पता ही होगा। तो फिलहाल तो यार बिल्कुल वापस से आ गए और भाई अब जितना ज़्यादा हो सकता है रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यार जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और भाई कमेंट बताना तुमको ये गेम प्ले कैसा लगा। तो फिलहाल तो यार हम लोग ज़रूर से खेलने वाले हैं काफ़ी टाइम बाद, और भाई इस बार जो मूव सेट यूज़ करेंगे हम वो होने वाला है यार वाइल्ड चार्ज एंड स्पार्क, ठीक है। और बिल्ड वगैरह मैं तुमको आगे बता ही दूंगा कौन सी यूज़ किया है। तो फिर फिलहाल तो वीडियो को देखो, और मैंने यार सेंटर मेरे को मिल गया तो जल्दी से मैं सेंटर कर लेता हूँ और भाई जाता हूँ सीधे बॉटम में, क्योंकि यार बॉटम में ही मेरे को ज़्यादा प्लेयर्स होते हैं, तो फिर मैं बॉटम में आ जाता हूँ। अब भाई यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यार बी आने वाली होती हैं, तो फिर मैं वेट करता हूँ यहीं पे। अगर कोई आता है अपोनेंट का प्लेयर तो उसको मारेंगे, वरना तो भाई बी यहाँ पे आ चुकी हैं, तो मैं वेट करता हूँ। चलो भाई यहाँ पे चारमेंडर और ये एप्सोल, पहले इनको देखते हैं क्या होता है। चलो एप्सोल को फिनिश कर दिया मैंने यहाँ पे। अब भाई ये भी जाएगा, मेरे को किल ना मिले बट जाएगा ये। हाँ चलो इसको भी मार दिया मैंने, बढ़िया। तो भाई मस्त है ज़रूरा यार अपना, मतलब काफ़ी कम लोग अभी भी यूज़ करते हैं ज़रूरा को। जब स्टार्टिंग में भाई बहुत ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा भाई पावरफुल था ना, तब काफ़ी लोग यूज़ करते थे, बट अभी कम है। लेकिन मेरे को तो भाई अच्छा लग रहा है इसको यूज़ करना, और भाई जब सेंटर मिल जाए फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब भाई देखो मैं बॉटम में दो लोगों को फिनिश कर चुका था, इसके बाद मैं दोबारा से सेंटर करने आ ही जाता हूँ, क्योंकि यार हमने को चाहिए जल्दी जल्दी यार वाइल्ड चार्ज, क्योंकि वाइल्ड चार्ज का एडवांटेज अलग है। और यार इस वाले मैप में जो डिस्चार्ज है ना, मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैंने इसको और ज़्यादा प्रेफर किया वाइल्ड चार्ज ही में लूँगा और स्पार्क को, क्योंकि यार उसमें मतलब ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिल रहा, घास में छुप जाते हैं प्लेयर्स, फिर यार समझ में नहीं आता कैसे क्या किया जाए। इससे अच्छा यही आराम से वाइल्ड चार्ज यूज़ करो, और भाई तुम्हें पता ही कितना अच्छा टॉच कर देता है, मतलब वो यूनाइट मूव तक से बच जाता है ज़रूर अगर तुम वाइल्ड चार्ज यूज़ कर ले तो सही टाइम पे। तो भाई तुमको बस ये याद रखना है कि वाइल्ड चार्ज एकदम बढ़िया तरीके से यूज़ करना है। फिलहाल तो यार देखो मैंने फार्म कर लिया है यहाँ पे, और यार मेरा अभी ओपन तो नहीं हुआ है वाइल्ड चार्ज, बट मैं टॉप पर आ जाता हूँ, क्योंकि टॉप का हमारा बेस डिस्ट्रॉय हो चुका है भाई, काफ़ी गंदा पुश कर रहे हैं और पता नहीं हमारे प्लेयर्स यार क्या ही कर रहे हैं। तो भाई देखते हैं यहाँ पे क्या सीन होने वाला है। फिलहाल तो मैं यहीं पे रुक जाता हूँ, अब देखता हूँ यहाँ पे क्या होता है। चलो यहाँ पे दो दो प्लेयर्स आ रहे हैं, यहाँ पे भाई गैंगार मेरे को मिलता है, मैं जल्दी से यहाँ पे स्पार्क यूज़ करता हूँ और भाई वाइल्ड चार्ज मेरा अच्छे टाइम पर यूज़ हो जाता है, और इसको मैं आराम से चलो फिनिश कर देता हूँ। और मैं तुमको दिखा दूँ यार मैं पोशन यूज़ कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि यार ज़रूरत की जो हील है ना वो कम होती है, इसीलिए मैंने पोशन यूज़ करने का ट्राई किया, और तुम्हें पता ही है मैं अलग अलग। चलो भाई फिनिश हो गए यहाँ पे, कोई बात नहीं है। खैर तुमको पता ही यार मैं मतलब अलग अलग बिल्ड ट्राई करता रहता हूँ, एक ही बिल्ड ट्राई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाई मैंने सोचा यार इसमें पोशन यूज़ करें, क्योंकि यार एक्स अटैक वगैरह, एक्स स्पीड, इजेक्ट बटन सब मैंने ट्राई करके देखा है, सबसे अच्छा तो वैसे एक्स अटैक चलता है, बट इस बार मैंने पोशन यूज़ किया यार, वो भी बहुत बढ़िया वर्क कर रहा है, तुम देख ही सकते हो इस वाले मैच में। तो फिलहाल तो यार यहाँ पे यार गैंगार फिर से होता है, एंड यार यहाँ पे होता है अपना ये बाइल, वो क्या बोलते हैं इसको यार, ब्लास्टोइस, और इन दोनों को फिनिश करवा देते हैं हम लोग, और भाई यहाँ पे स्कोर भी हो जाता है। अब जल्दी से चलो इसको लेते हैं यार, अब जल्दी से जल्दी इसको रेजिले को लेते हैं, और भाई देखते हैं क्या होता है, सीन हमको मिलता है नहीं। काफ़ी सारे प्लेयर्स यहीं पर हैं अब हमारे भी, और अपोनेंट का भी कोई नहीं आया यहाँ पे, तो हम लोग शायद ले लेंगे। चलो फाइनली हमने इसको ले लिया, अब यार इसको जल्दी से पुश करवाने का ट्राई करेंगे। और यहाँ पे फिर से यार ये लोग आ चुके हैं, मैंने यूनाइट खोल दी यहाँ पे, और भाई वाइल्ड चार्ज का अलग ही एडवांटेज है। चलो बढ़िया, वाइल्ड चार्ज की वजह से यार मैं बच गया, वरना ड्रीम ईटर मेरे को तुरंत उड़ा देता उसका, वो तो मैंने वाइल्ड चार्ज यूज़ कर लिया, ये सही रहा। और भाई यहाँ पे चलो पुश हो चुका था वो रेजिले की, और भाई हमें स्कोर करने का भी टाइम मिल गया यहाँ पे। इसके बाद भाई आ जाता हूँ मैं बेस पर और सीधे चलता हूँ टॉप पर, क्योंकि यार टॉप पर मेरे को दिखता है ये चारमेंडर भाई स्कोर कर रहा था बार बार। तो चलो जल्दी से इसको यार फिनिश करने का ट्राई करते हैं। और यार तुम्हें पता ही होगा इसका जो बफ आया है ना, जो फायर पंच वाला, भाई बहुत तगड़ा है, जब वो मारता है ना एक एक हज़ार का क्रिट तो ऐसे ही लग जाता है भाई, काफ़ी तगड़ा है वो। खैर यार यहाँ पे मैंने इसको फिनिश कर दिया, इसके बाद यार मैं फार्म वगैरह थोड़ा करने लगता हूँ, क्योंकि यार मेरे को चाहिए होती यूनाइट मूव। और यार मैं तुमको बता दूँ जिसमें मैंने बिल्ड यूज़ किया वो तुम दो आइटम तो देख ही सकते हो, फोकस बैंड एंड रेजर क्लो स्क्रीन पर ही सो रहे हैं पहले से ही। और जो थर्ड हेल्ड आइटम है वो यार मेरे को याद नहीं आ रहा, इसका मैं फोटो लगा दूंगा कंप्लीट बिल्ड का, यहाँ पर तुम देख सकते हो, मैं कंप्लीट बिल्ड लगा दूंगा यहाँ पे, फिर तुम देख लेना, ठीक है। तो फिलहाल तो यार अपना फार्म वगैरह मैंने कर लिया, और यहाँ पे मेरा यूनाइट मूव भी आ चुकी है, और यहाँ पे दो दो प्लेयर मिलते हैं, जल्दी से चलो इनको फिनिश करने का ट्राई करते हैं। एक को यहाँ पे चलो फिनिश हो गया, और भाई दूसरा भी मैंने यहाँ पे यूनाइट मूव चला के फिनिश कर दिया। और भाई यार ये टैलन बार बार यार ये ब्रेव वर्ड मार के फिनिश कर देती है, पता नहीं क्यों यार हर बार मेरे पे ही मारती है। तो भाई इसके बाद आ जाता हूँ मैं टॉप पर, और भाई रेजली के ये लोग ले रहे होते हैं, तो भाई यहाँ पे देखते हैं इनको फिनिश करने का पहले ट्राई करेंगे।
उसके बाद देखते मिलता है नहीं हमको, और भाई यहाँ पे हमको मिल जाता फाइनली, चलो हम लोगों को यहाँ पे मिल जाता है, और भाई सबको हम लोग फिनिश भी कर देते हैं। बढ़िया यार, चलो मेरा ही सहन आया यहाँ पे, मैंने ले लिया इसको, बढ़िया। अब यार देखते हैं इसको, अगर पुश हो जाता तो बढ़िया है, वरना तो हम बॉटम में स्कोर करने के लिए निकलेंगे। चलो यहाँ पे यार, चलो यार भाई 4 यार्ड आ गए यहाँ पे, इसको ट्राई करते हैं फिनिश करने का। भाई फाइनली ये फिनिश हो गया, बट भाई फिर से ये यहाँ पे दो तीन प्लेयर्स आ चुके होते हैं अपोनेंट के, और भाई मैं हो जाता हूँ यहाँ पे फिनिश। बट यार हम लोग ले चुके हैं, बढ़िया बात है। इसके बाद खैर मैं आ जाता हूँ टॉप बॉटम में, तो भाई बॉटम में आके यार यहाँ पे मेरे को मिलती है बी, जल्दी से इनको फार्म कर लेते हैं चलो। और भाई यहाँ पे चलो मैं फार्म कर लेता हूँ इनको, मुझे भाई यहाँ पे जल्दी से जल्दी वाइल्ड चार्ज प्लस करना है, क्योंकि यार उसका अलग ही एडवांटेज है, और वो होगा यार 14 लेवल पर। तो यार वैसे तो मतलब 12 लेवल पर और 13 लेवल पर ज़्यादातर का प्लस हो जाती हैं दोनों मूव सेट, बट यार इसका यार हो ही नहीं रहा मतलब प्लस, यार 14 पर होता है। और यहाँ पर भाई तीन प्लेयर होते हैं, यहाँ पर मैं यूनिट चला देता हूँ जल्दी जल्दी में, यार मैं यूनिट चला देता हूँ, बट फिनिश तो कोई नहीं होता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को मैं डैमेज कर देता हूँ, और भाई किल भी कर देते हैं काफ़ी ज़्यादा प्लेयर, तो यार ये अच्छा एडवांटेज रहता है। चलो मैंने 3 पर यूनिट चलाई थी, बढ़िया था। तो फिलहाल तो यार टाइम हो चुका होता है अपना रकाजा का, अब भाई देखते हैं फाइनल फाइट में क्या होता है। मेरे पास यूनिट तो है नहीं, बट फिर भी देखो भाई चिड़िया फिर से आई यहाँ पे, भाई मेरे को ही क्यों आती है लेने यार ये बार बार। चलो बढ़िया रहा, मैंने यहाँ पे वाइल्ड चार्ज यूज़ कर लिया और इनको फिनिश भी करवा दिया, बढ़िया यार, बहुत तगड़ा होता वरना भी फिनिश ही होने वाला था, बच गया वाइल्ड चार्ज की हेल्प से। अब यहाँ पे यार फाइट चली रही है, 2-3 प्लेयर्स यहाँ पे डेड हो गए, चलो इनको भी मैंने फिनिश कर दिया, तो 4 प्लेयर डेड हैं यहाँ पे। अब यार हम मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे इसको ले लेंगे, तो भाई जल्दी से यहाँ पे हमने फिनिश किया इसको रकाजा को, और भाई फाइनली हमने ले लिया, क्योंकि यार 4 प्लेयर डेड हो चुके थे ऑलरेडी, तो मतलब इजी था लेना इसको। अब जल्दी चलो यार स्कोर वगैरह कर देते हैं, यहाँ पे क्या सीन रहता है स्कोर का जल्दी से। भाई इसने यूनाइट मूव चला दी भाई ब्लास्टोइज ने, यार कर लेने दो स्कोर, रुक जा। चलो भाई स्कोर भी हो गया अपना 100 का भाई, बढ़िया। चलो सील टूट चुकी है यहाँ पे यार, अब जल्दी से मैं बैक ही हो लेता हूँ। अगर वैसे यार मेरे पास यूनाइट मूव भी है, तो देखते हैं अगर कुछ मिलता है तो यहाँ पे यूनाइट मूव चला देंगे, वरना तो फिर बैक हो ही लेंगे, ठीक है। अब भाई यहाँ पे यूनाइट मूव चलो मैंने चला दी, और वाइल्ड चार्ज आया है वैसे यहाँ पे, भाई मज़े आ जाएंगे। और यहाँ पे यार फिर से चिड़िया आ गई, चलो एक को फिनिश तो कर दूँ एटलीस्ट, बढ़िया यार एक को फिनिश कर दिया मैंने। और भाई चलो मतलब गेंगार पता नहीं फिनिश हुआ या नहीं, लेकिन हाँ एक को तो मैंने फिनिश कर ही दिया, बढ़िया था ये वाला मूव यार वाइल्ड चार्ज एकदम मस्त है यार। तो फिलहाल तो यार टाइम सब हो चुका था, और भाई जल्दी से स्कोर वगैरह चेक कर लेते हैं। भाई 13 किल एंड 7 असिस्ट है मेरे। अब यार किल तो ठीक है, मतलब मैं काफ़ी टाइम बाद खेल रहा हूँ यार पोकेमॉन यूनाइट को, मतलब काफ़ी टाइम निकल गया, तो मैं पता ही है वीडियो भी नहीं डाली काफ़ी टाइम से। जल्दी से चलो डैमेज भी देख लेते, तो भाई 87,000 का डैमेज है, तो भाई ठीक है डैमेज, मतलब काफ़ी अच्छा डैमेज गया है यार। तो यार तुम देख ही सकते हो वाली बिल्ड काफ़ी अच्छी थी, और तुम ये वाली बिल्ड भी ट्राई कर सकते हो। तो भाई फिलहाल तो वीडियो में बताएंगे, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड भाई कमेंट बताना कोई वीडियो कैसे लेगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।